काशी में रंगों का त्यौहार होली का खुमार रंगभरी एकादशी से शुरू हो जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इसके बाद काशी में होली का आगाज हो जाता है। इस बार रंगभरी एकादशी 3 मार्च को मनाई जाएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि रंगभरी एकादशी के दिन इस बार 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और फिर शोभन योग की शुरुआत होगी। ये तीनों शुभ संयोग मनोवांछित फल की पूर्ति के लिए होती है। इसके अलावा महादेव और माता गौरा की जो भी पूजा अर्चना करता है और उन्हें राशि अनुसार गुलाल चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की इस पावन पर्व पर रंगभरी काशी पर हर व्यक्ति अपने राशि के अनुसार यदि रंग चढ़ाता है तो उसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है। मेष राशि जिसका मालिक लाल रंग होता है, लोग लाल चढ़ाते हैं, लाल गुलाल चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वृष राशि चंद्रमा की राशि है, इसमें सफेद पुष्प, सफेद सामान, सफेद वस्त्र, सफेद गुलाल, सफेद रंग ये चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद मिथुन राशि आती है, वो हरे रंग का प्रतिनिधित्व करती है। हरा रंग जो है एक सूखे का रंग है, एक पेड़ पौधों का रंग है और गणेश जी का बहुत प्रिय रंग है। यदि मिथुन राशि वाले यदि हरा रंग का प्रयोग करते हैं, हरा गुलाल चढ़ाते हैं, हालांकि इस रंग भरती काशी में हरे रंग का बड़ा महत्व होता है, तो यदि चढ़ाते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और धन धान्य की वृद्धि भी होती है। कर्क राशि जो होता है वो चंद्रमा की विशेष बहुत ही प्रिय राशि है, उसमें चंद्रमा उच्च हो जाते हैं, चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण बलशाली हो जाते हैं। यदि वो सफेद चीज़ों का प्रयोग करें, यानी सफेद गुलाल का प्रयोग करें, सफेद रंगों का प्रयोग करें, सफेद चीज़ों का प्रयोग करें तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत फलदायी और शुद्ध माना जाता है। सिंह राशि या फिर सूर्य की राशि है, यानी लालिमा ऊर्ज का रंग, प्रकाश का रंग, ताकत का रंग, शक्ति का रंग, ऊर्जा का रंग है, यानी लालिमा लाल गुलाबी कलर जो होता है वो सिंह राशि वालों के लिए होता है। सिंह राशि वाले जाते हैं लाल गुलाबी कलर का यदि भगवान शिव को अर्पित करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और कन्या राशि वाले भगवान शिव के पुत्र गणेश का बहुत प्रिय यह राशि होती है, यानी कन्या राशि गणेश का राशि होता है, यानी हरा रंग फिर हरे रंग पर आते हैं। हरा रंग धन धान समृद्धि धन दौलत उत्तम स्वास्थ्य का मालिक है। यदि हरा रंग कन्या राशि वाले प्रयोग करते हैं तो उनके जीवन में आर्थिक कष्ट दूर हो जाता है। तुला राशि शुक्र यानी लक्ष्मी माता का ग्रह है, यदि इस राशि वाले लोग सफेद चीज का दान करते हैं, सफेद गुलाल फेंकते हैं, माँ को चढ़ाते हैं, माँ को अर्पित करते हैं, छिड़कते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना और आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। वृश्चिक राशि हनुमान जी का बहुत प्रिय ग्रह है, हनुमान जी का रंग लाल है और यदि वृश्चिक राशि वाले लाल रंग का फूल, लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का इत्र या लाल रंग का कोई गंध या लाल रंग का कोई भी चीज चढ़ाते हैं माता गौरी को, यदि सुहागिन स्त्रियां भी यदि लाल चीज को चढ़ाते हैं, लाल चूड़िया चढ़ाती है तो उनकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और वैवाह जो बहुत ही सफल हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल का भी राशि है तो मंगल दोष भी खत्म हो जाते हैं। अब बात हम लोग करते हैं उसके बाद जो वृश्चिक राशि के बाद जो हम लोग आते हैं धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति का रंग है, सुहागिनों का रंग है या वैवाहिक जीवन का रंग है, भगवान विष्णु का रंग है, यानी पीला रंग सुख समृद्धि समृद्धि के माने माना उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। यानी धनु राशि वाले यदि पीला चीज दान करते हैं, पीला चीज फेंकते हैं, यानी पीला गुलाल लगाते हैं, पीला गुलाल भगवान को शिव अर्पित करते हैं तो उनके जीवन में आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है। उसके बाद शनिदेव का राशि आता है, मकर राशि और कुंभ राशि, यानी इन दोनों राशि वाले लोग यदि काला गुलाल काला रंग का प्रयोग करें माता गौरी को माता पार्वती को उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और फिर मीन राशि भगवान बृहस्पति का राशि है, पीला वस्त्र दान करें, पीला गुलाल फेंके तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं।